मोनिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम वाटरप्रूफ लंच बैग बनाएंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने वाटरप्रूफ लंच बैग बनाया है। ये देखिए, पूरा हमारा बैग बहुत ही खूबसूरत बैग है। ये देखिए, ये हमारा वाटरप्रूफ लंच बैग है। यहाँ जिप से हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अंदर की साइड में हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी को लेते हुए स्टिच किया है और ये देखिए पाइपिंग से हमने स्टिच लाइन को कवर कर दिया और बहुत ही नीटली हमारा पूरा बैग बनके स्टिच हुआ है। लंच बैग में कभी कभी सब्जी का तेल मसाला कभी गिर जाता है तो हम इसको इजली यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, इसीलिए ट्रांसपेरेंट पन्नी को लेते हुए हमने स्टिच किया है। ये बहुत ही खूबसूरत बैग है फ्रेंड्स। लंच बैग में हम लंच को ऐसे रखेंगे, ऐसे लंच को हम यहाँ पर रखते हुए वाटर बॉटल भी इसमें आराम से आ जाएगी। इसको हम देखिए यहाँ पे ऐसे लॉक कर देंगे, जिप से ऐसे हम लॉक कर देंगे। और फ्रंट में हमने ये बकल को अटैच किया है। ये हमारे बैग की शॉप में इजीली मिल जाता है फ्रेंड्स। कोई भी आप किसी भी डिज़ाइन का कुछ भी ले सकते हैं, उसको आप अपने बैग में अटैच कर सकते हैं। इसको कैरी करने के लिए हमने एक छोटा हैंडल दिया है और एक बड़ा हैंडल दिया है। इसको आप क्रॉस करके भी आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वाटरप्रूफ लंच बैग स्टिच करेंगे। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। वाटरप्रूफ लंच बैग बनाने के लिए हमने 12x12 का क्विल्टेड पीस लिया है। ये देखिए, 12x12 के दो क्विल्टेड पीस हैं, दो प्लेन पीस हैं और दो हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है 12x12 की। ये दो ट्रांसपेरेंट पन्नी हैं, दो प्लेन पीस हैं और दो क्विल्टेड पीस हैं। और ये 3x23 का क्विल्टेड पीस है और ये भी हमारा 3x23 का क्विल्टेड पीस है। दो क्विल्टेड पीस है 3x23 के, दो प्लेन पीस है 3x23 के। ये देखिए, दो प्लेन पीस है और दो हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है 3x23 की। दो ट्रांसपेरेंट पन्नी है, दो प्लेन पीस है और दो क्विल्टेड पीस है। और ये देखिए 6x23 का एक क्विल्टेड पीस, एक प्लेन पीस और एक हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है 6x23 की। ट्रांसपेरेंट पन्नी है और एक प्लेन पीस है और एक क्विल्टेड पीस है 6x23 का। 1.5 की हमने ये पाइपिंग ली है, 23 इंच की जिप है जिसमें हमने दो रनर डाल लिए हैं और ये 5 इंच की दो बेल्ट है। एक हमारी 20 यानी 20 इंच की बेल्ट है, एक हमारी 50 यानी 50 इंच की बेल्ट है। सबसे पहले 12x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये प्लेन पीस लेंगे और ये हम ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे। पहले हमको इसमें ऐसे सेट करना है। देखिए, ऐसे सेट करेंगे क्विल्टेड पीस के ऊपर। ये माना देखिए उल्टा साइड है, उल्टे साइड पे हम पहले ये वाला प्लेन पीस ऐसे रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम ये ट्रांसपेरेंट पन्नी रखेंगे और इसके ऊपर हम पिन लगा लेंगे। देखिए, पहले पिन से सेट कर लेंगे, इसके बाद स्टिच करके ट्रांसपेरेंट पन्नी को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। ये देखिए, पिन से हमने चारों तरफ से सेट कर दिया है ट्रांसपेरेंट पन्नी को और प्लेन पीस को। अब हम सीधी साइड से देखिए, जो हमने शेप दिया है दोनों क्विल्टेड पीस में, हमने चारों कॉर्नर पे हमने राउंड शेप दिया है। अब हम चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस और ट्रांसपेरेंट पन्नी को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। शेप के अकॉर्डिंग हमने प्लेन पीस और ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए, ट्रांसपेरेंट पन्नी हमारी यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए हमने कट करके निकाल दिया है। अब ये देखिए, हमारी ट्रांसपेरेंट पन्नी यहाँ पे नीटली अटैच हो गई है। जैसे हमने इस पार्ट को स्टिच किया है, वैसे ही ये दूसरा पार्ट लेंगे 12x12 का। क्विल्टेड पीस लेंगे, प्लेन पीस और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे। उसको हम तीनों को एक साथ रखते हुए जैसे हमने इसको स्टिच किया है, ऐसे ही इसमें भी स्टिच करके ट्रांसपेरेंट पन्नी और प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। 12x12 के दूसरे पार्ट में हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी और प्लेन पीस को इसमें स्टिच कर लिया है। अब दोनों पार्ट हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब हम 3x23 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये देखिए प्लेन पीस लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे 3x23 की और ये 23 की ये जिप लेंगे। ये 23 इंच की जिप जो हमने ली है, उसको देखिए ये सीधी साइड इसको क्विल्टेड पीस की तरफ रखेंगे
और ये इसके बाद हम ये ट्रांसपेरेंट पन्नी रखेंगे और इसके ऊपर ये प्लेन पीस रखेंगे। तीनों पार्ट को ऐसे लेते हुए हम पहले पिन से अटैच कर देंगे, इसके बाद स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। इसमें पिन से हमने अटैच कर दिया है, अब हम सीधे स्टिच करके यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। पिन निकालते हुए देखिए हमने सीधे स्टिच कर लिया है, अब इसको हम पलट के इस साइड ले आएंगे। ट्रांसपेरेंट पन्नी बैक साइड में आ गई है, अब इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए पहले पिन लगा लेंगे, पिन से हमने अटैच कर दिया है। अब देखिए दाब सिलाई देते हुए चारों तरफ से स्टिच करेंगे और प्लेन पीस और ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें अटैच कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए देखिए हमने चारों साइड से स्टिच कर लिया है और प्लेन पीस को और ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट करके निकाल दिया है, अब हम 3x23 का ये कुल्टेड पीस लेंगे, ये प्लेन पीस लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे। सबसे पहले हम नीचे प्लेन पीस रखेंगे, इसके ऊपर हम ये ट्रांसपेरेंट पन्नी रखेंगे। देखिए ऐसे ट्रांसपेरेंट पन्नी रखेंगे, उसके ऊपर हम ये सीधा पार्ट जिप वाला रखेंगे जिसमें अभी जिप को हमने अटैच किया कुल्टेड पीस में, इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम ये कुल्टेड पीस रखेंगे और इसमें ऐसे सेट करते हुए पहले पिन से अटैच कर देंगे। पिन से हमने अटैच कर दिया है, अब हम सीधे स्टिच करके इसमें प्लेन पीस को और ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें अटैच कर देंगे जिप वाले पार्ट में। सीधे स्टिच कर लिया है हमने, अब हम यहाँ पे इसको इस साइड ले आएंगे। ये देखिए इसको हम पलट लेंगे, ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। ट्रांसपेरेंट पन्नी को थोड़ा सा हमें हाथ से प्रेस करना है, ये देखिए ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ पे हम पिन से अटैच कर देंगे पहले। अब हम दाब सिलाई देते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से हमने स्टिच करते हुए इसमें दाब सिलाई दे दी है, अब ये प्लेन पीस और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी इसमें अटैच हो गई है। ये देखिए एकदम नीटली पार्ट हमारा रेडी हो गया है, अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए हमने कट करके निकाल दिया है, अब हम 6x23 का ये कुल्टेड पीस लेंगे। देखिए 6x23 का कुल्टेड पीस है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और 6x23 का ये हमारी ट्रांसपेरेंट पन्नी है और ये प्लेन पीस है। पहले नीचे हम प्लेन पीस को रखेंगे, ये देखिए पहले नीचे हम प्लेन पीस को रखेंगे, इसके ऊपर हम ये ट्रांसपेरेंट पन्नी रखेंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट पन्नी रखेंगे और इसके ऊपर हम ये जिप वाला पार्ट सीधी साइड रखेंगे, ये देखिए इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम ये वाला कुल्टेड पीस रखेंगे, ऐसे रखेंगे। फ्रेंड्स ये हम आपको बताना भूल गए थे, डी लूप भी हमको लेना है, 2 डी लूप लेना है। ये 5 इंच की बेल्ट है, बेल्ट में हम ये डी लूप को ऐसे डालेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिप जहाँ पे है वहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे ऐसे रखेंगे इसको, और इसके साथ हम ऐसे रखते हुए हम पहले पिन अप कर लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे पिन लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर पे ये पार्ट हमको रखना है डी लूप वाला, ऐसे रखते हुए यहाँ पिन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे सीधे स्टिच करके तीनों पार्ट को देखिए इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमने सीधे स्टिच कर लिया है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है, अब हम इसको सीधी साइड लाएंगे, ये देखिए इसको सीधी साइड लाएंगे और अच्छे से इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस साइड एकदम नीटली हमारा ये अटैच हो गया है पार्ट, अब हम इस साइड ऐसे लाएंगे। अब यहाँ पे हम सीधे स्टिच करके यहाँ पे दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है, अब इस कुल्टेड पीस को इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको हम पलट के इस साइड, ये जो प्लेन पीस है और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी को इस साइड ऐसे लाएंगे। ये देखिए नीचे की साइड में हमने प्लेन पीस, इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट पन्नी, इसके ऊपर ये जिप वाला पार्ट और इसके ऊपर ये कुल्टेड पीस रखा है। अब हम
यहाँ पे दूसरी जो 5 इंच की बेल्ट है इसमें हम डी लूप को ऐसे डालेंगे, ठीक है, ऐसे डालते हुए यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। जहाँ पे जिप है यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। हमने सीधे स्टिच कर लिया है और इसमें अटैच कर दिया है। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। ये जो प्लेन पीस है और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी को हम ऐसे पलट के इस साइड ले आएंगे। ये देखिए, प्लेन पीस को और ट्रांसपेरेंट पन्नी को लेते हुए हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। डार्क सिलाई देते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और प्लेन पीस को और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें अटैच कर देंगे। डार्क सिलाई देते हुए हमने चारों साइड से स्टिच कर लिया है इसमें और प्लेन पीस को हमने देखिए ट्रांसपेरेंट पन्नी को इसमें अटैच कर दिया है। स्टिच लाइन को हमने अंदर ही इसमें कवर कर दिया है। अब ये देखिए एकदम नीटली पार्ट हमारा दोनों साइड से रेडी हो गया है। ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम ये जो स्टिच लाइन है इस स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए दोनों को यहाँ पे हम देखिए ऐसे सेट कर लेंगे अच्छे से और यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे, सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये देखिए चारों साइड से हमने कट करके सेंटर का मार्क कर लिया है। अब हम 12x12 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए बराबर में सेट करते हुए यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे और इस साइड से भी कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हमको इस साइड से भी ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे दोनों साइड से हमें कट लगा के सेंटर का मार्क करना है। ये जो हमने यहाँ पे सेंटर का कट लगाया है यहाँ से सेंटर, ये देखिए ये सेंटर की लाइन है। सेंटर के मार्क से 2.5 इंच पे इस साइड मार्क कर लेंगे और 2.5 इंच पे इस साइड मार्क कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से सेंटर के मार्क से 2.5 इंच इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से मार्क करना है। 20 इंच की जो हमने बेल्ट ली थी बेल्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे मार्क वाली लाइन पे, पिन लगा लेंगे और दूसरा पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। देखिए बेल्ट को हम ऐसे रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस में। दोनों साइड से देखिए स्टिच करके हमने यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब जो ये सेंटर का मार्क है, सेंटर के मार्क को इस वाले सेंटर के मार्क से देखिए जहाँ पे हमने बेल्ट अटैच की है, देखिए बेल्ट जहाँ पे अटैच की है वहाँ पे सेंटर के मार्क को ऐसे लेते हुए इस वाले पार्ट में ऐसे हम यहाँ पे लेते हुए यहाँ पिन लगा लेंगे। सेंटर पे हमें रखना है मार्क वाली लाइन पे, देखिए जो कट लगाया है उस पे हमें रखना है। ऐसे ही ये जो स्टिच लाइन है, ये वाली स्टिच लाइन है जहाँ पे हमने दाब सिलाई दी थी, इसको यहाँ पे ऐसे कट के पास ऐसे रखते हुए जो सेंटर का कट लगाया था हमने ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। चारों साइड से पहले पिन से अटैच कर देंगे, इसके बाद स्टिच करेंगे। देखिए चारों साइड से हमने पिन से अटैच कर दिया है। अब हम पिन निकालते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे इस पार्ट को। राउंड में पूरा स्टिच करते हुए हमने देखिए इस पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। ये पार्ट हमारा इसमें अटैच हो गया है। ये देखिए एकदम नीटली हमारा ये पार्ट इसमें अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग को स्टिच करेंगे। तो ये 1.5 इंच की हमने पाइपिंग ली, पाइपिंग को हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड ऐसे रखते हुए देखिए ऐसे पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऐसे रखते हुए हम चारों साइड से स्टिच करके पाइपिंग को हम इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से देखिए हमने पाइपिंग को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। ये पाइपिंग हमारी चारों साइड से अटैच हो गई है।
अब हम जहाँ से हमने पाइपिंग को अटैच किया था वहाँ से इसको इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऊपर की साइड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे पाइपिंग को। देखिए हल्का सा पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लाइन पे ऐसे रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे और पाइपिंग को पूरे राउंड में हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से हमने पाइपिंग को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम 12x12 का ये दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे चारों साइड से फोल्ड करते हुए जैसे इस पार्ट में हमने सेंटर का मार्क लगाया था ऐसे ही इस पार्ट में भी हम चारों साइड से सेंटर का मार्क लगा लेंगे कट करके। चारों साइड से हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब हम 20 इंच की ये दूसरी बेल्ट लेंगे जो हमने दो बेल्ट ली थी फ्रेंड्स, तो उसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना है ऊपर की साइड में। ये देखिए ये हमारा सेंटर का कट है, यहाँ पे सेंटर का कट लगाया है। सेंटर के मार्क से हमें 2.5 इंच पे यहाँ मार्क करना है। देखिए इस साइड से और इस साइड से भी 2.5 इंच पे सेंटर के मार्क से हम इस साइड लगा लेंगे। अब हम इस बेल्ट को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और पिन लगा लेंगे के ऐसे रखते हुए यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे बेल्ट को पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके हमने बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हम ये जो यहाँ पे हमने बेल्ट को अटैच किया है इस साइड हमको ये वाला पार्ट ऐसे रखना है। देखिए बेल्ट इधर अटैच है और बेल्ट इधर अटैच है, दोनों साइड पे हमें देखते हुए ये सेंटर के मार्क पे सेंटर के मार्क से ऐसे मिलाना है और पिन लगाना है। पहले चारों साइड से पहले सेंटर के मार्क पे मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। ये चारों साइड से हमने पिन से इसको अटैच कर दिया है। अब चारों साइड से हम स्टिच करके इसमें क्विल्टेड पीस को अटैच कर देंगे। राउंड में पूरा हमने स्टिच कर लिया है। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए दोनों साइड से हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम जिप को ओपन करेंगे, ऐसे जिप को ओपन कर लेंगे और इसको पलट के सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को खोलते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम जिप से इसको लॉक कर देंगे और यहाँ पे हमें जहाँ पे डी लूप लगाया है वहाँ पे हमें 50 इंच की जो बेल्ट है, ये 50 इंच की बेल्ट है, 50 इंच की बेल्ट को हम यहाँ पे ऐसे देखिए ऐसे डालेंगे डी लूप के अंदर। देखिए बेल्ट को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमको इस साइड भी बेल्ट को यहाँ पे अटैच करना है। दोनों साइड से हम फोल्ड करते हुए बेल्ट को अटैच कर देंगे। बेल्ट को इसमें अटैच कर दिया। ये देखिए एकदम नीटली ये बेल्ट हमारी अटैच हो गई है इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखिए एक स्क्वायर शेप में हमें स्टिच करना है और यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। अब हमारा बैग बन के रेडी है फ्रेंड्स। इसको स्टिच करने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन आप धीरे धीरे इजली स्टिच करके इसको कम्प्लीट कर सकते हो। इसमें हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाई है जिससे अगर हमारे लंच बॉक्स से सब्जी या मसाला कुछ भी गिर जाता है तो उसको आप इजली क्लीन कर सकते हैं। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।